हेलो वसु गाइस, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने थंबनेल देखकर वीडियो ओपन की है तो बिल्कुल सही वीडियो ओपन किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप तंग हैं एड्स प्रॉब्लम की वजह से, आप जब भी अपना एंड्रॉयड मोबाइल जो है ओपन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो वहाँ आपको ऐड दिखाने लग जाते हैं, आपकी होम स्क्रीन पर भी आपको ऐड देखने को मिलते हैं। तो आप इन ऐड को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में सिंपली यही डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो तक विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने अपने ब्राउज़र में से जो है एड्स का ऑप्शन जो है ऑफ़ करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने चले जाना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जैसे इंटर होंगे तो राइट अप कोने पे आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, सो जस्ट आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपने हल्का सा स्क्रोल डाउन करना है। स्क्रोल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको साइट सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर टैप करना और यहाँ पर आपने अगेन स्क्रोल डाउन करना है। स्क्रोल डाउन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इंट्रोव्स एड्स, या तो आपको यहाँ पर सिंपली ऐड का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर आपको, या इंट्रोव्स ऐड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो जस्ट आपने इसे ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने इसे ऑफ कर देना है, ये आपका ऑन होगा तभी आपको ऐड्स देखने को मिल रहे हैं। मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया इसलिए मेरा ऑन है, ऑफ है, पहले मेरा ऑन था। तो यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, इसको ऑफ़ कर देना। ऑफ़ करने के बाद आपने आ जाना बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको पॉप अप्स एंड रिएक्टिव्स, आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद ये भी आपका ऑन होगा, इसे आपने ऑफ़ कर देना है। ये बोल रहा है ब्लॉक साइट फ्रॉम शोइंग पॉप अप्स एंड रिडायरेक्ट्स रिकमेंडेड, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसे ऑफ़ कर देना है। ये काम करने के बाद आप ब्राउज़र से, तो आपने सिंपली ऑफ़ कर दिया है एड्स के मसले को। तो आप सेकेंड काम क्या करना है, अब हमने करना है गूगल से। गूगल से करने के लिए आपने क्या करना है, आपने चले जाना है सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है और आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गूगल का, सो जस्ट आपने क्या करना है, गूगल पे टैप करना है। एक एडवर्टाइजिंग आईडी होती है जो हमें जो है रिकमेंड करती है एड्स वगैरह, उन्हें हमने ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली गूगल में इंटर होगा। गूगल में इंटर होने के बाद यहाँ पर आपको एड्स का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर टैप करना है। उस पर टैप करने के बाद यहाँ पर डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, सो जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस आईडी को कर देना है डिलीट। अब जब ये आईडी नहीं होगी तो एंड्रॉयड जो भी है कंपनी आपके मोबाइल की, वो आपको एड्स शो नहीं कराएगी। तो इस तरह जो है आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर जो भी आपको एड्स देखने को मिलते हैं, आप उन्हें स्टॉप कर सकते हैं, उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबाना, क्योंकि आज सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी नई वीडियोज़ और कोई भी नए अपडेट्स हो उससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।